sorry for the interruption. So atomic mass, एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ एन एटम, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि एटम के मास को अगर हम केजीज में, ग्राम्स में या फिर मिलीग्राम्स में कैलकुलेट करें तो बहुत कहीं से इनकन्वीनियंट होगा, क्योंकि कहीं से अगर हाइड्रोजन की ही मास की बात करें तो इट इज 1.00 समथिंग, तो इतना छोटा मास है कि हम इतने बड़े यूनिट्स उसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो स्पेसिफिकली यूनिट आया डैट इज द एटॉमिक मास यूनिट AMU, जो हम पहले यूज करते थे, एंड नाउ इट इज यूज एज अ यूनिफाइड मास, यानी कि AMU की जगह हम सीधा क्या करते हैं, U को यूज करते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या था कि कार्बन 12 जो कि आइसोटोप है, उस आइसोटोप का 1/12 पार्ट, फाइन, तो वही हमें हेल्प करेगा, वही 1/12 पार्ट हमें ये हेल्प करने में, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि जो आपका जिस भी एलिमेंट का हमने मास मेजर करना है वो एलिमेंट उस कार्बन 12 एटम से कितना ज्यादा हैवी है, ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए आपको थोड़ा सा इसके, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रॉम द फॉर्मूला, डेट इज किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, फाइन। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया रिलेटिव मास बोल दें या फिर एटॉमिक मास बोल दें, अब जो ओवरऑल यू डिफाइन करके ये हमारे पास डेफिनेशन आती है कि हाउ मच टाइम द मास ऑफ दैट एटम, जिस भी हमें एटम का मास निकालना है वो इस 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कितना ज्यादा क्या है, वो हैवियर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, नॉर्मली हमें ये निकालने के लिए नहीं आता है, इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस कि एटॉमिक मास यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। सो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए तो हम कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट टू डिफाइन द मासेस ऑफ एन एटम, ठीक है, और उसको हम निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की हेल्प से, फाइन। So this is about your atomic mass. ऐसे ही कुछ atomic masses आपको learn करने हैं, अगर आप NCERT में दे रखे हैं तो आप वहीं से learn करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ discuss कर देती हूँ, carbon का जो atomic mass है वो 12 है, nitrogen का atomic mass 14 μ है, chlorine का atomic mass 35.5 μ है, sulfur का atomic mass 32 μ है, μ बोल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का 1 है, देन और कौन सा कॉमनली यूज, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, तो ये कॉमनली यूज एटॉमिक मासेस हैं, सो ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में ये गिवन होते हैं बट यू शुड नो द वैल्यूज, राइट। एटम के बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, एटम तो हो गई वो कैसे वो पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। सो मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमने जैसे देखा कि एटम क्या करते हैं, या तो अपने ही एलिमेंट के साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर डिफरेंट एटम के साथ मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। सो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मॉलिक्यूल भी क्या है, ये भी न्यूट्रल ग्रुप होता है, इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स विच बॉन्डेड टूगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, फाइन। अब
एटम में तो कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये कर रहा है। अगर हम बात करें सिंपली क्लोरीन की, तो ये क्या है, एटम। ठीक, अब क्लोरीन जब अपने ही एटम के साथ बनाएगा तो क्या फॉर्म कर देगा, मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट कर रहा है इसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। फाइन, तो ये केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड जो इन दो एटम्स को बॉन्ड करके रखा हुआ है, दैट इज द केमिकल बॉन्ड। फाइन, सो ऐसे ही आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स को अब फॉर्म करते हैं, जैसे वो तो मैंने पहले आपको बता ही दिया है, बार बार क्या उसके बारे में मैं रिपीट करूँ कि अपने ही एलिमेंट के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके क्या है ये फॉर्म करता है मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। सो देन देयर इज अ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी टर्म शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं, ठीक है। एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं Cl2, तो Cl2 में कितने एटम है क्लोरीन के, दो, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 2। HCl एटॉमिसिटी 2, O3 एटॉमिसिटी 3, H2SO4। अब बता सकता है व्हाट इज दिस, दिस इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसमें एटॉमिसिटी क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ एटम्स, क्या याद रखना है, नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, सल्फर के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, तो कितने हो गए टोटल, 7। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 7, यानी कि 7 एटम्स के प्रेजेंट हैं इन एलिमेंट्स के, जिसकी बेसिस पे हम क्या कहते हैं, दिस इज द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सो विद दिस कंप्लीट अवर टुडे टॉपिक, सो वी कम विद द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।